पुलिस ने तीन अफीम तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 1.5 करोड़ रुपए की अफीम बरामद की है, जिसका वजन लगभग 4 किलो 550 किलोग्राम बताया जा रहा है। थाना अध्यक्ष जहानगंज जयप्रकाश वर्मा, सर्विलांस प्रभारी विशेष कुमार ने आरोपी योगेंद्र सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह निवासी महाजाना जलालाबाद शाहजहाँपुर, इकबाल अंसारी पुत्र अब्दुल बारिक अंसारी पाकी पालूम झारखंड, मोहम्मद तबारक अंसारी पुत्र शराफी रोला गारू लातेहार झारखंड को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 किलो 550 किलोग्राम अफीम, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ रुपए कीमत बताई गई है, 4 मोबाइल 1870 रुपए, 1 पर्स, मई आधार कार्ड, 1 अपाचे बाइक बरामद की गई है। एसपी विकास कुमार ने पुलिस लाइन सभागार में बताया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद 1.5 करोड़ रुपए की कीमत की अफीम बरामद हुई है। आइए देखते हैं क्या कुछ बताया है पीपीएफ लाइव से खास बातचीत के दौरान एसपी विकास कुमार ने। पुलिस की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और साथ में जहानगंज पुलिस ने मिलकर एक अफीम का खेप पकड़ा है, जिसमें 4 किलो 550 ग्राम अफीम बरामद किया गया है। 3 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किए गए हैं मौके से, और जो तीनों व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम हैं योगेंद्र सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह, ये शाहजहांपुर का रहने वाला है, इकबाल अंसारी पुत्र अब्दुल बारिक, ये पलामू झारखंड का रहने वाला है, और मोहम्मद तबारक अंसारी पुत्र मरहूम इसराफी, ये लातेहार झारखंड का रहने वाला है। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और जिस मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे थे मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त किया है। इनके पास से इनके आधार कार्ड वगैरह प्राप्त हुए हैं, और आज के मार्केट में जो अफीम बरामद किया गया है इसका मूल्य देश स्तर पर जो संस्थाएं नियोजित करती हैं उसके मुताबिक लगभग 15 लाख का है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में इसका मूल्य लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का है। और पूरी स्टोरी इस प्रकार है कि जो झारखंड के 2 व्यक्ति हैं वो झारखंड से वहां से अफीम लेकर चलते हैं, जो शाहजहांपुर का व्यक्ति है ये अफीम को मंगवाया था, और ये इन लोगों को रिसीव करके हमारे जनपद के रास्ते शाहजहांपुर जा रहा था, तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार करके लोग माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत करेंगे और कठोर से कठोर सजा का अनुरोध करेंगे। क्या फरुखाबाद जिले के भी कुछ लोग हैं इसमें शामिल? इसे फरुखाबाद जिले का अभी तो कोई सामने नहीं आया है, ये रिसीव करके जा रहे थे तभी मुखबिर की सूचना पे हम लोगों ने रेड किया। क्या ये सर इनका पहला ही काम है या पहले से भी करते हैं? अभी ये चूंकि दूसरे जनपद के मुलजिम है, इनका आपराधिक इतिहास वगैरह उस जनपद से उस राज्य से सर्च किया जाएगा और उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा। दी फूड कोर्ट फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ के खूबसूरत इंटीरियर व शांत और सुरम्य वातावरण के साथ आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज दोनों का मजा। किटी पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अभी बुक करें। हमारा उद्देश्य है ग्राहकों को स्वादपूर्ण भोजन और अच्छी सेवा प्रदान करना। फिर देर किस बात की, बच्चों के साथ एक पारिवारिक दिन बिताने व रोमांटिक डिनर के लिए आज ही विजिट करें। हमारा पता है सहयोग भवन, नेकपुर 84, नियर गायत्री इंटरनेशनल स्कूल, फरुखाबाद।